और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक महिला के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। ये खबर पानीपत से है, जहां महिला पर एसिड अटैक किया गया है। ये महिला आपको बता दें कि फैक्ट्री से काम करके अपने घर लौट रही थी। इस दौरान दो बाइक सवार आते हैं और पीछे से आते हुए उसके फेस पर एसिड अटैक कर वहां से फरार हो जाते हैं। इस मामले में भी आपको बता दें कि पहले भी ये आरोपी इस महिला को परेशान कर चुके थे और जिसकी शिकायत इस महिला ने थाने में लिखवाई थी, और उसका बदला लेने के लिए एक बार फिर से इस महिला के फेस पर एसिड अटैक किया गया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है, जहां ये दोनों ही इस महिला के ऊपर एसिड फेंक कर वहां से फरार हो गए। जो महिला है उसका पूरा चेहरा एसिड की वजह से, तेजाब की वजह से पूरी तरह से झुलस गया है। उसे पीजीआई में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों का यही कहना है कि इससे पहले भी ये जो दोनों व्यक्ति थे, जो दोनों बदमाश थे, वो इस महिला के साथ छेड़छाड़ कर चुके थे, जिसकी महिला ने शिकायत की थी, और उसका बदला लेने के लिए एक बार फिर से इसी तरीके की हरकत की गई। लेकिन इस बार महिला के ऊपर एसिड से अटैक भी किया गया। आपको बता दें कि 37 वर्षीय महिला का पूरा तरह से जो चेहरा है वो झुलस गया है। ये खबर पानीपत की है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, वैसे में प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। एक जगह जहां जो छात्रा है वो कॉलेज से निकलती है, उसको गोली मार दी जाती है, तो दूसरी तरफ एक महिला जो अपने दफ्तर से, अपनी फैक्ट्री से निकलती है घर जाने के लिए, उसके ऊपर एसिड अटैक हो जाता है। कल शाम को एक महिला पर एसिड फेंकने का मामला की सूचना किला थाने में आई थी। उस पर तुरंत हमने एफआईआर करके और मौके पर जाके देखा है, तो वो जो महिला जिस पर तेजाब फेंका गया वो एक फैक्ट्री में काम करती थी। जब शाम को वो वहाँ से निकलती है, तभी दो लड़के बाइक पर खड़े हुए थे और उन्होंने उसके ऊपर एसिड का अटैक किया है। और वो अभी कुछ लेडी ने बताया नहीं नाम, क्योंकि वो जानती नहीं थी उनके। हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी कुछ उसमें आई है, तो जल्दी ही हम उनको आइडेंटिफाई करके जल्दी प्रयास है कि हमारा वो पकड़े जाए। जी, मेरे लड़के ने मेरे पास फ़ोन करा था, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था और भागा चला आया हूँ कि भाई मेरी मम्मी के साथ छेड़खानी हो रही, जल्दी आ जाओ। मैं आ गया, यहाँ पे बताया कि उसके ऊपर एसिड डाल दिया गया है। मेरा नाम किशन है जी, मेरी पत्नी का नाम पूनम है। अभी तो आए हैं हमारे पास में, जो बता रहे थे साथ वाले लाने वाले कि अटैक वगैरह, एसिड का अटैक हुआ है, एसिड वगैरह डाला गया है, बर्न वगैरह हम अभी हमने फर्स्ट एड वगैरह दे दी इनको। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवीण भारद्वाज जुड़ गए हैं। प्रवीण, इस केस में भी जो महिला है इससे पहले शिकायत कर चुकी थी और फिर एक बार उसने इस चीज का सामना किया है, इन दोनों युवकों ने उसके ऊपर एसिड डाल दिया है, अब क्या अपडेट आ रहे हैं? जी देखिए, पुलिस को यहाँ था, अब सीसीटीवी जो फुटेज लगी है उसके बयाव पे अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। हालांकि महिला इनको जानती नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस को यह बताया कि ये कई बार इनका पीछा कर चुके हैं, कई बार इसके साथ छेड़खानी हुई है। इस मामले की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है और सीसीटीवी कैमरे के हिसाब से अब इन आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। वही पानीपत पहुंचे गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार से वल्लभगढ़ में भी मामला सामने आया है और ये पानीपत का भी मामला है, इन दोनों मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। वही पानीपत पुलिस के डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने कहा कि टीमें लगा दी गई है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल प्रवीण, हालांकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जाएगा ऐसे आश्वासन दिया गया है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि जहां कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। एक जगह बेटी को गोली मारी जाती है, दूसरी जगह बेटी के ऊपर तेजाब डाला जाता है, तो बेटियां सुरक्षित कहां है? बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है प्रशासन की लापरवाही को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल बताना चाहेंगे, आज पानीपत में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पहुंचे थे, उनसे भी यह सवाल किया गया था कि बेटी बचाने का नारा जो है सरकार द्वारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन हर दिन मामला सामने आने के बाद कहीं ना कहीं सवाल या निशान पुलिस पर उठता है। लेकिन मंत्री ने उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि पुलिस पूरी तरह से सजग है और किसी भी आरोपी को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि 2 करोड़ जनता का है, उसको निजी तौर पर सुरक्षा तो नहीं मुहैया करवा जा सकते, लेकिन
आरोपी जो है उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रवीण, जिस तरीके की जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर आई है, क्या उसमें अभी तक जो अपराधी है उनका कोई क्लू मिल पाया है? जी देखिए, इसमें डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने टीम गठित कर दी है और आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी गई है। अभी इनकी पहचान उजागर नहीं हुआ है, पुलिस द्वारा भी किसी प्रकार की पहचान नहीं बताई गई है, लेकिन डीएसपी सतीश कुमार वत्स ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को वह गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल प्रवीण, हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हमारे साथ एएसपी जुड़ गए हैं पानीपत से सतीश वत्स, डीएसपी जुड़ गए हैं सतीश वत्स। सतीश जी, इतनी बड़ी वारदात हो गई है, जिस तरह से महिला को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था और फाइनली उसके फेस पर तेजाब डाल दिया गया है, कार्रवाई किस तरीके की होगी अब आगे? देखिए, जैसा कि ये तो पता ही आपको, पहले एफआईआर हमने दर्ज कर ली थी और उसी समय जो ना सारी हमारी जो टीमें एक्टिव टीमें हैं, सीआईए की है, थाने की है, खेली हुई है। और क्योंकि महिला ने अभी कुछ बताया नहीं है कि वो कौन हो सकते हैं, उसके हस्बैंड ने कुछ एक दो नाम हमारे हमें दिए हैं, वो हम वेरीफाई कर रहे हैं और उम्मीद हम कर रहे हैं कि जल्दी ही हम इसको क्रैक कर लेंगे और हमारी टीमें बड़े तत्परता से इसमें कार्य कर रहे हैं। सतीश जी, महिला और उनके परिजनों का कहना है कि ये कुछ युवक हैं, अनजान युवक, जो इस महिला को छेड़ा करते थे और जब इसने शिकायत की तो उसके बाद से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। नहीं, ऐसी कोई शिकायत मैंने थाने में रिकॉर्ड भी चेक करवाया है, मैंने मेरे पास ये बात आई थी, किसी ने बताया था, लेकिन मैंने थाने का रिकॉर्ड अगर चेक कराया, ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई है और आयोग से भी मैंने पता किया, वो भी सभी कहते हैं कि इस तरह की कोई। सतीश जी, आखिर कारण क्या है कि जो इस तरीके के गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, उनका मन इतना ज्यादा बढ़ जाते हैं, पुलिस का खौफ ही नहीं रहा है, कहीं पर गोली मारी जा रही है किसी महिला को तो कहीं पर एसिड फेंका जा रहा है, पुलिस का खौफ क्या खत्म होता जा रहा है प्रदेश के अंदर? देखिए, पुलिस, मैं पहले तो आपको बताऊं, कोई खौफ पैदा करने के लिए नहीं है, पुलिस है, बदमाशों में तो खौफ होना ही चाहिए, बदमाशों में तो डर होना ही चाहिए ना सतीश वत्स जी, आम लोगों के लिए नहीं लेकिन बदमाशों के लिए तो खौफ होना चाहिए। फिर आप ये पूछिए ना, बदमाशों को अवश्य ही होना चाहिए और ये बदमाश जो है ना हमारे बीच से ही तो पैदा होके निकले हैं, ये हमें थोड़ा सा समाज को ध्यान देना चाहिए कि ऐसी कोई सूचना दे दें, कोई बच्चा कोई इस तरह की आउट ऑफ नॉर्मल कोर्स जो ना अगर कोई हरकत करता मिले तो एक बार पुलिस को इन्फॉर्म करने में कुछ नहीं जाता, टाइमली सूचना मिल जाए तो बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो वो होने से रुक सकते हैं। सतीश जी, जो बात आपने कही है उसका मैं जवाब देना चाहूंगी, कई बार तो ऐसे मामले होते हैं कि पुलिस स्टेशन पास में ही होता है, वहाँ वारदातें हो जाती है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? कानून व्यवस्था में चेंजेस होने चाहिए, आप इस बात को मानिए, ढिलाई है कहीं ना कहीं। जितनी अवेलेबल फोर्स है और जितना इलाका है उसके प्रोपोर्शनेटली जो है ना हम ड्यूटीज लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि सारा जहां जहां भी ऐसा इलाका कोई, जैसे आप ग्रे एरिया बता रहे हैं, वो कवर हो जाए, उसके लिए हमारे पास राइडर्स हैं, पीसीआर हैं, सभी। सर, कवर करने के लिए तो पीसीआर भी होती है लेकिन कई जगह तो ऐसी है जहां पीसीआर पहुंचती नहीं है। देखिए, हर जगह हर समय तो पुलिस नहीं हो सकती, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकली, और बाकी इसीलिए तो कहा क्यों जाता है 24 आवर्स अवेलेबल, ये बात कही जाती है ना, अवेलेबल, एग्जैक्टली अवेलेबल, बिल्कुल अवेलेबल, लेकिन हर जगह पर कैसे हो सकेगी, पॉसिबल कैसे है? तो व्यवस्था बनाइए ना सर, इसीलिए बनाएगा, ऐसे गंभीर मामलों में तो व्यवस्था बननी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि महिला के साथ छेड़छाड़ के बाद जब महिला ने शिकायत की तो उसके बाद इन दोनों बदमाशों ने उसके ऊपर एसिड अटैक कर दिया।